हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए शुरू करते हैं कॉमिक्स नासूर डोगा का दूसरा भाग। मैं जानता था समीर ऐसा ही करेगा। बिग बॉस आप जानते थे फिर भी? हाँ, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति उपजती नफरत को पहले ही महसूस कर लिया था। जेल में तुम लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। कोई भी पागल हो सकता है, और हमें ऐसे ही पागल जुनूनी लोगों की ज़रूरत है अपनी कंपनी में। हाँ, मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद यह उसका पहला अपराध था। मैं चाहता था कि उसका पहला गुनाह ही ऐसा हो कि इस दुनिया से वापस कदम खींचने के बारे में वो फिर कभी सोच ही ना पाए। मैंने जब कार चलाना सीखा तो मेरा हाथ ड्राइविंग में साफ नहीं था। मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सावधान किया था कि पहले मैं खुली सड़क पर ड्राइविंग में अपना हाथ साफ करूँ, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। ठीक उसी तरह मैं चाहता था कि मेरी कंपनी में आने के बाद समीर भी जुर्म का अभ्यास कर ले। उसने तुम पर हमला करके अपने काम की शुरुआत कर दी है। वैसे भी हमारे धंधे में तुम जैसे नकारा लोगों की ज़रूरत नहीं जो भीतरघात से सावधान नहीं रहते, लेकिन बिग बॉस समीर जैसे लोग कंपनी के लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। ऐसे लोग कंपनी के प्रति वफादार रहते हैं। समीर को जो काम सौंपा गया था वो उसने बखूबी पूरा किया, हलचलिया को माल की डिलीवरी पहुँचा कर। बिग बॉस आप हमारे सामने आ गए। जो अपने कंपनी के गद्दार और नकारा लोगों को मैं अपने हाथों से ही ख़त्म करता हूँ। जो अपने कर्तव्य से चूकते हैं वो भी नकाराओं की सूची में आते हैं। पापा, ये टीवी फिर ख़राब हो रहा है। मेरे दोस्त के घर प्लाज्मा या एलसीडी या डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले नए टीवी हैं, और हम अभी तक सीआरटी जैसी घिसी पिटी मशीन को झेल रहे हैं। तो ज़रा दरवाजे की तरफ देखो। सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ओ माई गॉड, वाइड स्क्रीन प्लाज्मा टीवी। एन्जॉय माई चाइल्ड। थैंक यू पापा, थैंक यू। गोली का जबरदस्त धमाका हुआ था। ओ नो, उतनी ही जोरदार आवाज़ हुई थी टीवी का कांच टूटने की। दूसरे ही पल सुपरिटेंडेंट के हाथ नहीं है। सुपरिटेंडेंट साहब, डोगा तुम और ये सूरत और ये हरकत डोगा के अलावा और किसकी हो सकती है? मगर ये क्या बदतमीजी है। रतनलाल, किशन पाल, ये दोनों नाम शायद तुम्हारी जेल के उन्हीं कर्मचारियों के हैं जो थोड़ी देर पहले टीवी लेकर आए थे। उनको भूल जाओ, वो बाहर बेहोश पड़े हैं, और उनके अलावा तुम्हारे सभी गार्ड्स भी। यह हरकत तुम्हें काफ़ी महंगी पड़ सकती है डोगा। नहीं, मुझे नहीं। मैं जानता हूँ महंगी चीज़ों का शौक तुम्हें है, जैसे ये महंगा क्रिस्टल फानूस कम से कम 50,000 रुपये का होगा। खनाक, अब यह 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। डोगा तुम जैसे ये कीमती सोफ़ा सेट कम से कम 1,00,000 रुपये की कीमत का होगा। चिर, अब यह 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। डोगा तुम ऐसा नहीं कर सकते। कई टन कैपेसिटी का ये एयर कंडीशन जिसकी कीमत हज़ारों में है। चिंग जिंग जिंग क्रिश, पर अब यह 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। आखिर ये सब तोड़फोड़ करके तुम साबित क्या करना चाहते हो डोगा? मैं ये साबित करना चाहता हूँ सुपरिटेंडेंट साहब कि भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत का लिबास अपने बच्चों और अपनी फैमिली को पहनाकर उन्हें महंगा मत बनाओ, वरना जिस दिन दुर्भाग्य की आंधी का एक भी थपेड़ा पड़ा ये लोग 2 कौड़ी के भी नहीं रहेंगे। डोगा, भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत से तुम्हारा क्या मतलब है? पापा जेल सुपरिटेंडेंट है और इस लायक है कि ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सके। तुम्हारी इस बात का जवाब तुम्हारे पापा मुझसे बेहतर दे सकते हैं। सुपरिटेंडेंट साहब, आपके बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि इस नौकरी में आपका स्टेटस क्या है, आपकी सैलरी क्या है। अपनी उस सरकारी तनख्वाह से आप घर के सभी ज़रूरी खर्चे करने के अलावा बाहर खड़ी चमचमाती इंडिवर गाड़ी खरीद सकते हैं या नहीं, जिसकी कीमत 14-15 लाख है। लेकिन अगर आपकी जुबान ने सच के अलावा कोई शब्द उगला तो मेरी बंदूक जो गोली आप पर उगलेगी उसका उसे कोई अफसोस नहीं होगा। पापा, आप झूठ को भी ईमानदारी से बोलने के लिए जुबान को शब्द नहीं मिलते। उफ, दोषी सिर्फ रिश्वतखोर अफसर या कर्मचारी नहीं होता, उस पर उसके परिवार के लोग भी उस गुनाह में उसके बराबर के साथी होते हैं। क्या आप लोगों ने कभी अपने घर के कमाओ सदस्य की एक्सेस इनकम सोर्स के बारे में जानने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि आते हुए सुख को लात मारने की हिम्मत नहीं थी आप में, और यह हिम्मत परिवार के हर सदस्य में आ जाए तो रिश्वतखोरी हमेशा के लिए दम तोड़ देगी। मैं यही समझाने आया था, और अगर अब भी तुम नहीं समझे और मुझे दोबारा यहाँ आने की नौबत आई तो वो पल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल के पल होंगे। डोगा को दोबारा यहाँ आने की नौबत नहीं आएगी। कौन? खश, मैंने आपके परिवार को बेहोश कर दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैं यहाँ करने वाला हूँ उसे ना तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे सुपरिटेंडेंट साहब, और ना आपका परिवार कर पाता।
कौन हो तुम? नासूर। उफ, हमारे जिस्म का कोई हिस्सा रोग लगने पर सड़ गल जाए तो उसको काट कर फेंक दिया जाता है। यह समाज एक जिस्म की तरह है, चटाक धड़ाक, जिसे चलाने के लिए शरीर के हिस्से की तरह तुम जैसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। मगर जब भ्रष्टाचार के कीड़े जिस्म के हिस्सों को सड़ाने लगे तो उनको काट कर फेंक देना उचित होता है। आह, अब मैं जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो इस फिंगर वाइज में कुचली हुई तुम्हारी उंगलियों से उठने वाला दर्द शायद भविष्य में तुम्हें अपने फ़र्ज की याद दिलाए। आह क्रिच, शायद तुम्हें दूसरों का दर्द समझने में कोई मदद मिले। कौन हो तुम? कहाना नासूर। नासूर बनकर भ्रष्ट लोगों को टॉर्चर करूँगा, उन्हें ऐसा दर्द दूंगा जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जहन में बसी ईमानदारी और मानवता की भावना ही होगा। पता नहीं ईश्वर के बराबर में श्रुति जैसी दरबार में श्रुति जैसी बहनों की प्रार्थनाएं सुनी जाती है या नहीं। मुझे तो सिर्फ मेरा भाई वापस चाहिए। भगवान भगवान आपने भक्तों की पुकार जरूर सुनता है बेटी, खासकर बच्चों की तो अवश्य। उसके घर में देर तो है मगर अंधेर नहीं। लो दूध पियो। मैं नहीं चाहता कि जब तुम्हारा भाई तुम्हारे पास वापस लौटे तो तुम्हारी सेहत ठीक ना हो। फिर मैं तुम्हें कपड़े दिलाने ले चलूँगा। अदरक चाचा का कहा नहीं टाल सकती थी श्रुति। सूरज परेशान था, कहीं उसके हाथ से कोई गंभीर अपराध हो गया तो उसके लौटने की रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी और सारी ज़िंदगी जेल में ही गर्क हो जाएगी। अरे ये तो किल्ली चिल्ली और बिल्ली की लाशें हैं, मगर डोगा ने तो सिर्फ इनकी टांगों पर ही गोली मारी थी। फिर किसने इनको मार डाला? कहीं खुद समीर ही ने तो नहीं? किल्ली बिल्ली चिल्ली ने ही डोगा को जेल में अनाधिकृत सामान ले जाने के विषय में बताया था। ऐसा आदेश उन्हें कोई बिग बॉस ही देता था, बिग बॉस जिसे किसी ने नहीं देखा। उन तीनों को गोली बिग बॉस भी मार सकता है। और ये क्या? नासूर ने कुचली जेल सुपरिटेंडेंट की उंगलियां। ये नासूर कौन पैदा हो गया है? ये तो उसी जेल का सुपरिटेंडेंट है जहां समीर ने 3 माह सजा के रूप में बिताए हैं। कहीं उसे सजा देने के लिए समीर ही तो नासूर नहीं बन गया? नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते। तू घबरा मत श्रुति, मैं पुलिस जल्दी ही पता लगा लेगी नासूर की हकीकत। अल्लाह इस बच्ची पर रहम खाना, दुर्भाग्य किसी पर रहम नहीं खाता। आज तुमने डोगा को मात दी, ये जानकर मुझे तुम्हारे उज्जवल भविष्य की तस्वीर साफ दिखाई पड़ने लगी है। जिस इंसान में खुद को नेतृत्व करने की क्षमता होती है वो जीवन में हमेशा विजय रथ पर चलकर विजय को पाता है। किसी भी नेतृत्व की कमान हाथों में लेने से पहले इंसान को खुद को खुद ही से नेतृत्व करने के लायक बनाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसान को सबसे पहले अपनी दुर्बलताओं का पता लगाकर उन पर विजय पाने के रास्ते तलाश करने चाहिए। तुम जानते थे कि जिस रास्ते पर तुम निकले हो वहाँ तुम्हारा सामना डोगा से ज़रूर होगा। तुमने उस पल के लिए अपने बचाव के बारे में सोचकर अपना नेतृत्व खुद किया। मुझ में भी बचपन से ही नेतृत्व के गुण थे और यह गुण शायद मुझे मेरे पिता से मिला। वो मुझे बताते थे कि जब मैं छोटा था और उठकर चलने की कोशिश करता था बार बार गिर पड़ता था, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे वापस खड़ा होने के लिए उंगली का सहारा नहीं दिया। उनका मानना था कि सहारे कोशिशों का दम निकाल देते हैं। मैं प्रथम बार अपनी ही कोशिशों से अपने पांवों पर खड़ा हुआ। मुझ में खुद अपना नेतृत्व करने की क्षमताएं उसी दिन से विकसित होने लगी थी। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं स्वयं का और दूसरों का नेतृत्व करते करते अपराधी कैसे बन गया। मेरा बचपन तंगहाली से गुजरा, बदनसीबी हमारी परछाई बनकर हमारे साथ रहती थी। माँ मेरे बचपन में ही मर गई थी। पिताजी आदर्शवादी थे, ईमानदार, चाहते तो अपने पद पर रहते हुए रिश्वत की कमाई से हर सुख खरीद सकते थे, मगर वो कहते थे कि भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मेरे हाथ मुझे जैसा सुख देंगे मैं उसी में खुश रहूँगा। जानते हो उनके हाथों को क्या मिला? हथकड़ियाँ। रिश्वत का इल्ज़ाम था उन पर। उनको छोड़ने की एवज में 24 घंटे के अंदर अंदर इंस्पेक्टर धतूरा मुझसे 2 लाख रुपयों की मांग कर रहा था। कहाँ से आएंगे 2 लाख रुपये? पिताजी जेल पहुंच जाते तो फिर इंस्पेक्टर भी कुछ नहीं करने वाला था। 24 घंटे के अंदर 2 लाख रुपये कहाँ से आएंगे? जाहिर सी बात है मैंने वो टारगेट चुना जो उस वक्त आसान था। बेटा चॉकलेट खाएगा? आपके पापा ने बुलाया है। आपका अपना फ़ोन नंबर बताओगे बेटा? मैंने अपने 2 दोस्तों को उस बच्चे को सौंप दिया जो इस हकीकत को नहीं जानते थे कि मैंने उस बच्चे को किडनैप किया हुआ है। राहुल, नदीम, ये मेरा भांजा है, इसको पैसिफिक मॉल से एक ड्रेस दिलाकर मेरा वहीं पर इंतज़ार करना। इसी बीच मैंने उस बच्चे के घर फिरौती के लिए फ़ोन कर दिया। मुझे 2 लाख रुपये चाहिए, तुम्हें बच्चा मैं पैसिफिक मॉल के बाहर सौंपूंगा, तुम्हारा बच्चा मेरे आदमियों के पास होगा। पैसा मिलने के बाद मैं उस तरफ इशारा करूंगा, मगर सावधान, उनके पास पिस्तौल होगा, कोई चालाकी नहीं। मैं जानता था कि यदि वो पुलिस के को खबर भी करेंगे तो भी उनका टारगेट पहले बच्चे को जब्त करना होगा, क्योंकि यदि मुझे वो अपना निशाना बनाते
और तो बच्चा उनके हाथ से निकल सकता था। तुम्हारा बच्चा वो रहा मेरे आदमियों के पास। मैं लगभग कामयाब हो गया था, मगर मेरा दुर्भाग्य, डोगा मेरे पीछे पड़ गया। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। डोगा वाली स्थिति को छोड़कर डोगा मुझ पर गोलियां चला रहा था। मैं अपने आप को नेतृत्व कर रहा था। मैंने बाइक छोड़कर एक लोकल ट्रेन पकड़ ली। प्रथम श्रेणी का डब्बा था वो। पुलिस पहचानती नहीं है। मैं बोरीवली जाकर वहाँ से वापस चर्च गेट पहुँच जाऊँगा। जिस एक्शन से मैंने ट्रेन पकड़ी थी, मेरी उस हिम्मत को देखकर किसी यात्री ने मुझसे कुछ भी पूछने की चेष्टा नहीं की। मैं अब खुद को सामान्य महसूस, मुझे चक्कर सा आ गया। मुझे लगा मैं खड़ा नहीं रह पाऊँगा। मैं अब खुद को सामान्य महसूस कर रहा था। मैंने ब्रीफकेस खोलकर रुपयों की सलामती की गारंटी करनी चाहिए, लेकिन मेरे होश उड़ गए। इसमें तो रद्दी कागज़ भरे हैं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। यह भाग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।